சைதா हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए मैं और रिंकू कहाँ घूम रहे हैं आज मार्केट में। आज शादी में जाने के लिए कपड़े की शॉपिंग की जा रही है, तो देखो हम लोग कैसे घूम रहे हैं। आज ज़्यादा भीड़ नहीं है मार्केट में, और देखिए यहाँ पर भी बहुत अच्छा अच्छा सूट है। जैसे कि मैंने ये चौक का दूसरा हिस्सा है, और बहुत ही प्यारे प्यारे यहाँ पर सूट वगैरह हैं। और आज हम दोनों आए थे घूमने के लिए, तो भीड़ की आवाज़ शायद आपको आ रही होगी, तो चलिए आपको घुमाते हैं, है ना, क्योंकि अभी ट्रैफिक आने वाला है तो आवाज़ आएगी नहीं। बढ़ा लो। तो चलिए आपको घुमाते हैं, है ना। छोटी बड़ी मत ले लेना, देख ले एक बार सही। दोनों देख लो। लड़की की ब्लैक में आई नहीं, ब्लैक अच्छी नहीं लगती। अच्छी लग रही है ना। हम लोग आ गए हैं घर, और मैं यहाँ पर पापड़ फ्राई कर रही हूँ। सब लोगों ने लेट खाना खाया था, हम लोग मार्केट जाने से पहले खाना खा के गए थे आज लंच करके। इसके बाद में सब लोग बोले कि भूख नहीं है, तो पापड़ फ्राई कर लेते हैं और चाय के साथ में वही खाएंगे। और खाना आज शाम को हम लोग नहीं बनाएंगे, तो ये देखिए, और कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लेंगे, कुछ ऐसे करके खाना नहीं बनाएंगे आज और पापड़ ही खाएँगे। तो ये देखिए मैं फ्राई कर रही हूँ, और मार्केट से आने के बाद भूख लगने लगती है, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी भी हो जाएगा, और किसी को भूख भी नहीं है, ज़्यादा हल्की भूख है सभी लोगों को। और ठंडी के मौसम में कुछ अच्छा फ्राई किया हुआ खाने का मन होता है। तो देखिए इधर रिंकू रख रही है चाय बनने के लिए, और इधर मैं पापड़ फ्राई कर लेती हूँ तब तक, और फिर बैठ करके खाते हैं। तो चलिए मैं पापड़ फ्राई कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं।
देखिए पापड़ मेरा फ्राई हो गया है और अब हम लोग पिंगल फ्राई कर लेते हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए बड़े लोगों के लिए पापड़ और दोनों चीज़ मिक्स करके हम लोग खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये पापड़ जो है हमारा घर का बना हुआ है, मम्मी ने बना करके भेजा था। तो ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं लेकिन इनको इतने अच्छे तरीके से बनाया जाता है कि फ्राई करने के बाद में ये जो है बहुत बड़े हो जाते हैं फूल करके। और गर्मियों में जब हम इसको बनाएंगे तो इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि गर्मी के मौसम में ही हम लोग इनको बना करके रख लेते हैं और फिर साल भर अच्छे से खाते हैं। तो देखिए अब मैं अपने पिंगल जो है फ्राई कर लेती हूँ। और दोनों चीज़ जब हम लोग साथ में खाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, और पापड़ मसाला डाल करके जब हम लोग खाते हैं ना पापड़ में तो बहुत टेस्टी लगता है। चावल का बना हुआ है ये पापड़ और इसकी रेसिपी बहुत आसान है और बहुत ही आसानी से बन जाता है। और मेरी मम्मी इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाती हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। और हम लोग इसको एक साल तक यूज़ करते हैं आराम से, और बहुत बहुत सारा बना करके हम लोग रख लेते हैं गर्मियों के मौसम में। तो इसी तरीके से देखिए मैंने इसको भी फ्राई कर लिया है और बच्चों को ये पिंगल बहुत पसंद है और मुझे भी अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए मैं इनको भी साथ साथ में बनाती हूँ। तो ये देखिए लगभग हमारे फ्राई हो गए हैं पापड़। और मार्केट से आने के बाद वैसे भी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं ना, तो फिर खाने पीने का ज़्यादा मन नहीं होता है, फिर भी भूख तो लगती है, तो इसीलिए इसी में जल्दी से इनको फ्राई कर लेती हूँ और फिर चाय के साथ में इसको लेते हैं। तो देखिए इधर मैंने पापड़ अपना फ्राई कर लिया है और पिंगल भी बन गया है और चाय देखिए हमारी बन रही है। तो चलिए चाय के साथ पापड़ का मज़ा लेते हैं और आप लोग भी आ जाइएगा। और आज का वीडियो मैं अपना यहीं पर एंड करती हूँ, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।